हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने कि संगणक और सीएचओ भर्ती की परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी हो गया है और एडमिट कार्ड भी 26 फरवरी को ये जारी हो जाएंगे। तो हम चर्चा करते हैं कि ये इसका क्या टाइमिंग रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए बात करते हैं, या आप देख सकते हो नोटिफिकेशन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो ये आप यहाँ देख सकते हो 23 फरवरी को यह नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। और ये अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें क्या होता रखा है और यहाँ आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 5/2023 क्रमांक 22/32 दिनांक 7/7/2023 के द्वारा संगणक भर्ती परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 11/2022 क्रमांक 1/27 दिनांक 1/9/2022 द्वारा सामूहिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा दिनांक 19/2/2023 को पूर्व में आयोजित की गई थी, किंतु यह परीक्षा निरस्त हो जाने के कारण फलस्वरूप बोर्ड द्वारा प्रेस विज्ञप्ति 829 दिनांक 29 दिसंबर 2023 द्वारा इस परीक्षा को पुनः 3/3/2024 को आयोजित करने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया था। तो अब इसमें बात करते हैं, पहली भर्ती संगणक स्थिति भर्ती परीक्षा 2023 से, इसमें मॉर्निंग को एग्जाम होने वाला है। 3/3/2024 को इसे एग्जाम है एंड 3/3/2024 को एग्जाम है और वो भी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। टाइम रहेगा इसमें प्रातः 10 बजे से मध्य 12 बजे तक, प्रातः 10 बजे से मध्य 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसकी दूसरी परीक्षा है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती परीक्षा, तो पुनः आयोजन होगी। ये भी 3 तारीख होने वाली, 3 मार्च को, इस शाम को होने वाली है 3 बजे से 4:30 बजे तक। ये 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है दोस्तों। ये था इसका एक अपडेट के बारे में। आगे चलते हैं और बात करते हैं परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र हेतु निर्देश। तो यहाँ हम देख सकते हैं ई प्रवेश पत्र हेतु निर्देश, तो सर एक नंबर देखते हैं निर्देश क्या बता रखा है। आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि ये बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। 2 नंबर ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी दिनांक 26/2/2023 को 6:30 बजे से प्रोविजनल ई प्रवेश पर ई प्रवेश पत्र वेबसाइट के माध्यम से आप यानी कि 26 फरवरी को 6:30 बजे से आप एडमिट कार्ड देख सकते हो और आप एडमिट कार्ड एक साइड उतार की साइड से माध्यम से या फिर आपकी अपनी एसएससी आईडी के माध्यम से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 26 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड जारी हो जाएंगे आप देख सकते हो। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी दोस्तों। अगर आप हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।